सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। मैं अंजू देवी बुटुल आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खूबसूरत शहर मुंबई से। टाइम हो रहा सुबह का 11:30 हो गया हुआ इतना। तो मैं आई थी मंदिर, मेरे को क्योंकि शंकर भगवान को जल चढ़ाना था तो मंदिर में जाके आ गई। मैंने बोला इधर ही से मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ। 3-4 दिन तक तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, रुकने का नाम नहीं लिया, लेकिन जब धूप लगी तो एकदम इतना गर्म हो गया कि हालत ख़राब, आंखें बंद हो रही है। अब मैं गई हूँ आज स्टेशन वाले मंदिर। ये है रेलवे, मेरे पीछे है रेलवे स्टेशन, इधर से ये रिक्शे जा रहे हैं आगे को, मानसरोवर स्टेशन है कामोटे का। तो खुशी को लेके आई थी मैं, मैंने बोला उसकी भी, उसका भी आज 10 बजे का स्कूल था ना, तो उनका हाफ डे था, जल्दी आ गए थे, तो मैंने बोला चलो मेरे साथ में चल। तो खुशी आई है, ये खुशी अभी नाश्ता भी नहीं किया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई, लेकिन इधर होटल वोटल तो कुछ है नहीं। मैंने बोला पहले ब्लॉग की शुरुआत इधर से कर लेती हूँ, उसके बाद जाते घर पर फटाफट। तो ये है बसंत ऋतु, जितनी बारिश आई थी उतनी ही हरियाली भी है। ये सामने पे है बस स्टॉप, ये बस आ रही है ना, ये बस जाती है यहाँ से रोड पाल कलम्बोली कामोटे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है। मतलब जो रिक्शे से नहीं जाएंगे तो वो बस से जा सकते हैं आसानी से, यहाँ तक लोग ट्रेन से आते हैं और ट्रेन से उतरने के बाद बस सेवा भी है लोगों के लिए। तो ये सामने को किया मैंने कैमरा, तो देखो इधर हरियाली कितनी मस्त है। आया सामने पे फूल था ना, लाल फूल इतना मस्त। अरे इधर नीचे तालाब देखो, मुंबई में जहाँ देखो उधर पानी पानी बोलते हैं ना, मुंबई पानी के बीच में है मुंबई, आगे पीछे पानी चारों तरफ, अब बीच में है मुंबई। तो ये फूल कितना अच्छा लग रहा देखो, ये तालाब में जो पानी है ये समुद्र का पानी है। जब ज्वारभाटा आता है ना तो पानी यहाँ तक आता है घरों के नीचे तक। आ गए हम मंदिर से, थैले इतने भारी हुए, मैं मुंडी में लेके आई कुछ अपने, क्या बोलते हैं यहाँ पे, कमर पे लेके आए, मेरी मुंडी टूट गई। तो फटाफट मैंने यह तवा भी रख दिया, चाय भी रख दी, चाय पहले से बनाई निकाली, शक्कर नहीं डाला था, थोड़ा दूध और डालती, कुछ ही तो मना करी चाय पीने के लिए, लेकिन मैं पीती हूँ क्योंकि मेरे को भी बहुत भूख लगी। सुबह से कुछ नहीं खाया था, 2:30 बजे पी थी चाय, तब से अभी मैं भूखी हूँ क्योंकि 12 पूरा बज गया है, खाना बनते बनते खाते खाते 2 बज जाएगी। इतना भूखा रही तो तबीयत ख़राब हुई, पहले मुँह पर इतना सूजन आया, BP कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो डेली दवाई भी खा रही लेकिन कुछ नहीं हो रहा। टेंशन दुनिया भर का है, दिमाग खराब, काम दुनिया भर का है, आराम है नहीं, सोने को 2 घंटा मिली काले, क्या बोलूँ। चलो मैंने देखा इंसान के जैसा टूस्ट टूस के खाता है वो खाना, पाचन नहीं होता, बीमार हो जाता है इंसान, चाहे उनको कितनी भी भूख लगी है, जितना तुमको चाहिए उसमें थोड़ा सा कम खाओ तो स्वस्थ रहेगा शरीर। उसने भी जरा चौकोस खाए ना, उसे भूख लगी, चौकोस खाते हैं दूर में देख लो, उसने वो खा लिया, बस हो गया। मैंने 2 ही रोटी बना के अपने लिए, हाँ बोलती मम्मी आटा आटा लग रहा हूँ, तो मैंने बोला आटे की तो रोटी है, क्या बोलो कसम, करेले भी हो गए गरम। होती थी माँ, होती थी माँ, अगर भूख लगी है तो रोना निकल जाता था, रोना आ रहा है इतना ज्यादा भूख लगी, फिर दर्द भी हो गया, किसके पास रो रो भी तो कौन आंसू पोछेगा, कोई नहीं। जब तक अपनी माँ है बाप है सब ठीक है, पराई घर में कोई नहीं होता। चलो बन गया मेरा रोटी भी, मैं भी खाना खाती पहले। तो रोटी अपने लिए बना दी, चाय है, भिंडी की भाजी और करेले की भाजी है। तो ये ब्रेड खुशी ने छोड़ा था सुबह, तो मैंने फेंकना भी क्यों है, पैसा लगाया फिर नाश्ता करते हैं। तो दोपहर का हो गया है, 1:30-2 के करीब हो गया, मैंने नाश्ता किया थोड़ा, 10 मिनट बैठी क्योंकि बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं था क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, 1:45 हो गया था। तो फिर से आ गई प्यारे से किचन, आ गई क्या, खाना भी बन गया है। क्लिप दिखा नहीं पाए क्योंकि गुड़िया के पास था मोबाइल,
तो मैंने बोला थोड़ा खाने के लिए तो दिखाऊँ मैं, तो जो ये दो थैले हैं इधर रखे मैंने पीछे गौनी, ये आटा पिसा के लाए, 30 किलो गेहूँ दिए थे मैंने पीसने के लिए, मैंने बोला दो थैली में अलग अलग करके देना, एक गौनी में लेके आई, कुछ लेके आई, तो मुंडी में लेके आई कुछ, ऐसे कमर में हालत ख़राब हुई। तो मैंने खाने में बनाया भात दाल मेथी की भाजी और रोटी बना रही हूँ, तो फटाफट पहले रोटी बनाती हूँ बस। और उसका जेरोक्स निकाल लेंगे थे अमरीका के पास, जेरोक्स निकाल के आगे बैठ गई आगे बैठे बिल में, तो ये आ गया हमारा बिल। खाने का मन करा था, ऐसा लग रहा था थोड़ा कुछ खाए, ऐसे रोटी खा के तो आ गई थी, लेकिन हम लोग थोड़ा बिल खा लेते। ये है बिल, इंडक्स चूल्हा, और खुशी इसको चालू कर रही, पहले मुख पर बात हो, आप पहली बार लगा रहे हैं इसको, इस चूल्हे को लेके 8-10 साल हो गए, लेकिन आज चालू कर, ऑन ये ऑन हो गया है। हाँ दरबा जा रहे गरम हो रहा, धीरे धीरे से जाएगा ना। अरे कुछ तो कर, क्या करना, क्या है तुम्हें? बस हमको इतना ही पता है, इससे ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑन, ये ऑफ। हाँ तो वही ना?